इंडियन मूवीज के विलेन में सुनील सिकंदरलाल कपूर का नाम तो सुना होगा। ओह, इस नाम का तो कोई विलेन ही नहीं, रुकिए जरा, शक्ति कपूर। जी हाँ, शक्ति कपूर का असली नाम सुनील सिकंदरलाल कपूर है। शक्ति कपूर दिल्ली के करोल बाग में रहते थे और उनके पिताजी की टेलर की दुकान थी। शक्ति बचपन से ही बदमाश थे, तीन तीन बार स्कूल बदलने पड़े और वजह एक ही, लड़ाई झगड़ा करना। और अपने पापा से भी शक्ति कपूर की बहुत कम बनती थी। पिताजी चाहते थे वो उनका बिजनेस संभाले और शक्ति कपूर को ट्रैवल एजेंसी खोलनी थी। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैसे ट्रैवल एजेंसी का सपना देखने वाला लड़का फिल्मों में खलनायक बन गया। स्कूली शिक्षा के बाद केएमसी कॉलेज में क्रिकेट कोटा से प्रवेश मिला, इसलिए ज्यादा समय क्रिकेट में ही जाता था। वहाँ भी समस्या हो गई, टीम के कप्तान की बहन से चक्कर चला लिया और हो गया पंगा, और इस वजह से क्रिकेट और गर्लफ्रेंड दोनों से हाथ धोने पड़े। फिर उनका इंटरेस्ट चला गया मॉडलिंग में, लेकिन मॉडलिंग के लिए उन्हें उकसाने वाला था करोल बाग का एक पानवाला, जो हमेशा उनको कहता था भैया अभिनेता बन जाओ आप, और उसने उनकी फोटो का बड़ा पोस्टर भी दुकान में लगा लिया था। और ऐसे शक्ति कपूर मॉडलिंग में गए। फिर उनके कुछ दोस्तों के साथ FTII पुणे का एडमिशन फॉर्म भरा और सिर्फ शक्ति कपूर का एडमिशन हुआ। उनके साथ अप्लाई किए हुए उनके सारे दोस्त रिजेक्ट हो गए। और वहाँ शक्ति कपूर की अच्छी खासी रैगिंग भी हुई थी और वो करने वाले थे मिथुन चक्रवर्ती। और अब सुनिए किस्सा शक्ति कपूर को पहली फिल्म मिलने का, ये किस्सा भी मजेदार है। एक बार शक्ति कपूर कार लेकर जा रहे थे और कार की टक्कर सामने से आने वाली मर्सिडीज से हो गई, और शक्ति कपूर अपनी कार से निकलकर मर्सिडीज वाले के ऊपर चिल्लाने लगे, और उस मर्सिडीज में बैठे थे फिरोज खान। शक्ति कपूर का गुस्सा और एटीट्यूड देखकर उन्होंने अपनी टीम को बोला कि यही लड़का मुझे कुर्बानी फिल्म में विलेन चाहिए। तो ऐसे एक कार दुर्घटना की वजह से शक्ति कपूर को फिल्मों में एंट्री मिली। अब बात इनके ऑन स्क्रीन नाम बदलने की करते हैं। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में सुनील दत्त ने शक्ति कपूर को खलनायक का रोल दिया था। तो सुनील दत्त ने उनको कहा, तुम्हारा नाम सुनील सिकंदरलाल कपूर से तुम खलनायक तो कतई नहीं लगते, कुछ दमदार नाम होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने सुनील से शक्ति कपूर नाम रखा। दोस्तों, कमेंट में बताएं आपको शक्ति कपूर की कौन सी फिल्में पसंद है। ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।